हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट डिजाइन के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर एक बार नजर मारते हैं। इट इज इजी टू रीड द टेक्स्ट, नो स्क्विंटिंग। जो भी टेक्स्ट है आपकी वेबसाइट पे, अगर वो रीडेबल है इजिली, मतलब उस पर कोई स्क्विंटिंग नहीं है, मतलब लोग इधर उधर नहीं देख रहे हैं अगर वेब पेज पे, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है। इट्स इजी टू नेविगेट, बटन्स एंड लिंक्स आर लार्ज एनफ टू बी टैप्ड विद अ फिंगर। जो आपकी वेबसाइट पे बटन्स हैं वो लार्ज एनफ है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति बटन पे क्लिक कर रहा है, कोई यूजर जब मोबाइल पे वेबसाइट ओपन कर रहा है तो वो बटन पे क्लिक करे और वो कहीं और हो जाए। इट इज प्लीजिंग टू लुक एट, द यूजर एक्सपीरियंस इज इंजॉयबल। आपकी जो वेबसाइट है वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, मतलब उसका जो यूजर इंटरफेस है तो वो किसी भी स्क्रीन पर ऐसा है कि यूजर को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और उस वजह से जो यूजर एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट का वो भी इंक्रीज होता है। तो यूजर इंटरफेस में काफी सारी चीजें आती हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट रैंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने की जरूरत क्यों है? पहली बात तो ये कि 90% से ज्यादा जो सर्चेज होती है वो मोबाइल पे होती हैं, और उन 90% में से 91% लोगों का यह कहना है कि जो वेबसाइट वो यूज कर रहे हैं मोबाइल पे वो अच्छी नहीं है। किसी वेबसाइट पे टेक्स्ट बहुत छोटा है, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट डेवलप होती है डेस्कटॉप पे, तो लोग ये सोचते हैं जैसा डेस्कटॉप पे दिख रहा है वैसा ही मोबाइल पे दिखेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, रेस्पॉन्सिवनेस की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे ही डिस्प्ले चेंज होता है तो जो वेबसाइट है वो भी चेंज होती है, उसके फॉन्ट साइज या क्या कहते हैं उसकी जो इमेज है वो कैसे लोड होती है, कोई भी जो चीज है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस ना हो जाए, टेक्स्ट इमेज के ऊपर आने लगता है, या और भी कई सारी दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ती है। गूगल ये चाहता है, गूगल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गूगल क्रोम पे ही वेबसाइट को यूज करते हैं अपने मोबाइल में। तो गूगल ये चाहता है दोस्तों कि जो भी वेबसाइट बन रही हो वो मोबाइल फ्रेंडली हो, और उसके लिए उसने कई सारी चीजें भी बनाई हैं, टूल्स भी बनाए हैं जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। और बाकी एक और चीज है जिसको कोर वेब वाइटल्स बोलते हैं, उस पर मैं अगला ट्यूटोरियल बनाऊंगा दोस्तों। तो आज जो बात हो रही है मोबाइल फ्रेंडलीनेस को लेके वेबसाइट की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक जो बातें हुई हैं वो ऑन पेज ऐसी हुई, ऑफ पेज ऐसी हुई, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जो वेबसाइट की डिजाइन से रिलेटेड है। तो मैं आज पूरी बात बताऊंगा आपको, टाइपोग्राफी से लेके और जो जो काम आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में मोबाइल के लिए, मतलब आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली होगी तो वो कैसे बन सकती है, कौन कौन से काम हैं ऐसे जो आपके हाथ में हैं और आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अब जो 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों, वो आप कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव और बिल्ड इट फॉर मोबाइल फर्स्ट व्यूइंग। आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं ना दोस्तों, आप डेस्कटॉप को ध्यान में ना रखते हुए वो मोबाइल के लिए बनाए, मतलब फर्स्ट व्यूइंग क्या हो, मोबाइल हो। आप मोबाइल को प्रायोरिटी दें कि मोबाइल पे जो आपकी वेबसाइट दिख रही है वो अच्छी दिखे, और वो सबसे अच्छी बात है वो रेस्पॉन्सिव हो। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में 5000 तरीके के मोबाइल हैं इस समय, और हो सकता है कि ज्यादा भी हो, और उनके जो डिस्प्ले साइज है वो अलग अलग है। एप्पल का अलग चलता है, या फिर जो चाइना कंट्री का फोन है ओप्पो का है, वीवो का है, या सैमसंग का है, तो इन सबके जो डिस्प्ले होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो सारे तरीके के डिस्प्ले पे सेट करना अपनी वेबसाइट को एक चैलेंजिंग टास्क है। तो वो काम आप करें, सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को सुपर रेस्पॉन्सिव बनाए, यानी वो हर तरीके की स्क्रीन पे अच्छे से ओपन हो, वहां सारी चीजें दिखें। मेक इट इजी टू फाइंड की इंफॉर्मेशन। जो भी की इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे है, जैसे कॉन्टेक्ट है, ईमेल है, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिकली किसी पेज पे लोगों को सेंड करना चाह रहे हैं, वो मान लीजिए लैंडिंग पेज पे लैंड करते हैं आपकी वेबसाइट के, और आपको किसी ऐसे पेज पे भेजना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा है, जिसपे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दिखनी चाहिए। उसका फॉन्ट, उसका कलर, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। मेक द बटन्स लार्जर। अभी हुई थी इसकी बात, जो बटन है आपकी वेबसाइट में वो बड़े होने चाहिए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने बड़े। मेक द फॉन्ट इजियर टू रीड, मतलब जो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉन्ट स्टाइलिंग जो है वो आपको बहुत अच्छी रखनी है। ऐसे 5 फॉन्ट है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वेबसाइट में, जैसे लाटो है, रोबोटो है, हेलवेटिका है, या सैन सेरिफ है। ये जो फॉन्ट है ये काफी ज्यादा
क्या कहते हैं फेमस है, और ज्यादातर जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो इसी फॉन्ट को यूज करते हैं। अभी मैं उसके बारे में भी बात बता दूंगा। कंप्रेस योर इमेजेस एंड फाइल्स। तो दोस्तों जो भी आप इमेज ले रहे हैं उसको आप कंप्रेस कर दें। जब मैं आपको समझाऊंगा कि आप इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो मैं और ज्यादा बताऊंगा इसके बारे में। और जो आपकी फाइल्स हैं, आप वेबसाइट पे कोई भी पीडीएफ रख रहे हैं या वो किसी और तरीके का रिसोर्स हो सकता है, तो दोस्तों उसका जो साइज है वो जितना छोटा हो सकता है आप उतना छोटा रखें। मतलब इतना छोटा भी नहीं करते कि वो ब्लर हो जाए, लेकिन इतना छोटा करना है आपको कि वो ब्लर भी ना हो और मोबाइल की स्क्रीन पे वो अच्छे से दिखाई दे। तो अभी मैं आपको कुछ टूल्स पे ले चलता हूँ जहां पर आप अपनी वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल में आपको अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है यहाँ से, और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे जो ऑप्शन है लेफ्ट हैंड पे। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी मोबाइल यूजेबिलिटी। आप इस पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे अगर कोई भी एरर आ रहा होगा तो वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 0 एरर और 4 वैलिड, ठीक है दोस्तों। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो गूगल सर्च कंसोल पे मैसेज आएगा कि आपके इस यूआरएल में या आपके इस वेब पेज पे कोई दिक्कत आ रही है, और आप उस दिक्कत को दूर कर ले। ये तो गूगल सर्च कंसोल से आपको पता लग जाएगा। एक टूल भी है दोस्तों, अगर आप देखेंगे url search.google.com टेस्ट मोबाइल हाइफन फ्रेंडली, और यहाँ जो मैसेज है वो क्या है, इज योर वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली, क्या आपका वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली है, एंटर ए url टू टेस्ट। तो आप इसमें url लिख दें अपनी वेबसाइट का तो वो टेस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से url लिख देता हूँ। इसमें दो ऑप्शन है, आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं और यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यूआरएल के थ्रू कर रहा हूँ, तो ये एनालाइज कर रहा है और थोड़ी देर में ये हमें रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास मैसेज आ रहा है पेज इज मोबाइल फ्रेंडली और पेज लोड होके भी मेरे सामने दिख रहा है, ठीक है। ये तो रेंडर्ड जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट है, आप एचटीएमएल कोड भी देख सकते हैं। दोस्तों कई लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो ये बोलते हैं कि गूगल जब ये काम करता है या आप कोई भी प्लगइन यूज करते हैं वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए या किसी काम के लिए, तो ये कहा जाता है कि जो कोड है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है वेबसाइट के, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं जो कोड है वो पूरा है। तो कोडिंग के अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है। तो दोस्तों उसके अलावा एक और टूल है जिसको बोलते हैं पिंग डाउन टूल्स। इसमें जाके भी आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। जो यूआरएल है वो आपको लिखना है, यहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन सा सर्वर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम दिख जाएंगे, तो मैंने एशिया को सेलेक्ट किया है क्योंकि इंडिया के पास वही है, जापान में जो है। और आप देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस ए ग्रेड है, जो लोड टाइम है वो लिखा रहा है, पेज साइज लिखा रहा है, और यहाँ पे आपको और चीजें दिख जाएंगी जिस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे ये सी ग्रेड है जहां लिखा है कंप्रेस कंपोनेंट्स विद जी जिप, इसमें मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूं कि मुझे क्या करना है। मेरे पास इसके लिए मैसेज भी आ रहा है। जब आप वेबसाइट पर आएंगे, जैसे ये मेरी वेबसाइट है दोस्तों, तो इसकी रेस्पॉन्सिवनेस मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो स्क्रीन स्मॉल और लार्ज करके मैं देख सकता हूँ कि जो चीजें हैं वो किस हिसाब से चेंज हो रही हैं। उसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके सोर्स कोड में जाएं। ये दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स है, अगर आप गूगल क्रोम भी यूज करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन सेम ही रहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे जो मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा भी है रेस्पॉन्सिव डिजाइन मोड। अगर आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो वो होता है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एम, एम फॉर मोबाइल। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे दिखेगी वेबसाइट, यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी किसकी है, गैलेक्सी S9 की। जो डायमेंशन है वो क्या है, 360x740, यानी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की बात। आप चाहे तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है। इसको आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे iPhone 6 7, तो उसमें आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, ठीक है। यहाँ मेन्यू है, तो मेन्यू कैसा दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, गेट डायरेक्शन, टीम, कॉल नाउ, अगर कॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो कॉल होगी या नहीं होगी, तो मुझे एप्लीकेशन चूज करनी है, यानी ये सही से काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो एक्शन आप लोगों से करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्टेक्ट अस पेज एकदम क्लियर है,
कॉल नाउ बटन एकदम क्लियर है, टीम एट द रेट लर्न टू अनलैप्स एकदम क्लियर है। अगर हम नीचे आते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे ये जो गेट स्टार्टेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बटन क्या है, इसके ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, यानी इसको जब यूजर क्लिक करेगा तो केवल इसी बटन को क्लिक करेगा और कहीं क्लिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे ये इंक्वायर नाउ ऐसे ही बटन है, और भी है मेरी वेबसाइट में बटन, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे ये व्यू ऑल कोर्सेज, ठीक है, तो गेट स्टार्टेड के नीचे आपको एक और बटन दिख रहा है व्यू ऑल कोर्सेज, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं अपनी वेबसाइट में दूसरे पेज पे पहुंच जाऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये मैंने डेमो के लिए वेबसाइट बना रखी है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे दोस्तों वो आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो फुली रेस्पॉन्सिव हो, और जितनी भी इमेजेस हैं और जो भी चीज है वो आपकी सही से लोड हो। जैसे आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो ऐसी आ रही है, अगर मैं इसको क्लोज करके इसको फिर से क्लोज करूं तो जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं पूरी एकदम ठीक हो रही है, और अगर आप इसको मोबाइल में भी देखेंगे तो आपको ये अच्छी लगेगी, यानी ये फुली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब दोस्तों बात करते हैं यूजर इंटरफेस के अंदर टाइपोग्राफी की, कि टाइपोग्राफी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइपोग्राफी में जो बातें जिन पर आप ध्यान देंगे वो क्या है दोस्तों, हायरार्की। अब हायरार्की आपको किस तरीके से रखनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हायरार्की में जो डिस्प्ले टेक्स्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगा, और उसके बाद जो फॉन्ट साइज है वो हेडिंग का बड़ा होगा, और उसके बाद जो बॉडी है यानी टेक्स्ट बॉडी है उसका सबसे कम होगा। आप उल्टा ना करते कहीं तो हायरार्की गड़बड़ हो जाएगी। हायर का मतलब यही होता है दोस्तों बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा आपको रखना है डिस्प्ले टेक्स्ट, जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद हेडलाइन, और हेडलाइन के बाद आएगा दोस्तों बॉडी टेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों फॉन्ट चॉइसेस। तो फॉन्ट चॉइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉन्ट हैं वो है रोबोटो, शिवजी यूआई, सैन फ्रांसिस्को, हेलवेटिका, पेन सेरिफ, सेरिफ, ये जो है जो इंडस्ट्री में वाइडली यूज होते हैं। बाकी मैं अभी आपको एक बता भी दूंगा एक्सटेंशन से आप कैसे देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों टेक्स्ट साइजिंग, तो जो टेक्स्ट की साइजिंग है वो आपको कैसे करनी है, तो जो आपका डिस्प्ले टेक्स्ट होता है वो आप रख सकते हैं 42 पिक्सल का, उसके बाद जो हेडर है उसको आप रख सकते हैं 34 पिक्सल का, और जो आप पहली क्या कहते हैं, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके लिए जब आप हेडलाइन लिख रहे हैं तो आप वो 28 फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, यानी 28 पिक्सल का आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों टेक्स्ट अलाइंड, तो दोस्तों देखिए जो इंग्लिश पढ़ी जाती है, क्योंकि हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो इंग्लिश में ही होती है, और अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आप इस चीज को देखिए कि लोग कैसे पढ़ते हैं किसी भी चीज को, लोग पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जब आप कोई चीज ऐसी बताने वाले हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि लोग उसको रीड करें, तो आप उसको लेफ्ट में रखें और राइट में इमेज रखें। अगर आप चाहते हैं लोगों को दिखाना कि कोई भी इमेज है तो उस पर ध्यान देना, तो आप क्या करें राइट हैंड पे इमेज रखें और लेफ्ट हैंड पे टेक्स्ट रखें, तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अब जैसे अगर आप डबल कोटेशन में कोई चीज लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप वो सेंटर में लिखेंगे, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। उसके बाद है दोस्तों लाइन स्पेसिंग, तो जो आप फॉन्ट साइज रखेंगे ना वेबसाइट का वो 15 से 17 पिक्सल के बीच का होना चाहिए, या उसको आप 18 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 15 से छोटा नहीं करेंगे पिक्सल को जो टेक्स्ट बॉडी है उसका। अभी मैं आपको कुछ बेहतरीन जो वेबसाइट है उनके एग्जांपल भी दूंगा। उसके बाद है दोस्तों लेटर स्पेसिंग, तो जब आप कैपिटल लेटर्स लिखते हैं ना तो उसमें जो स्पेसिंग होती है वो बढ़ जाती है, और अगर आप उनको स्मॉल लिखते हैं तो उनकी स्पेसिंग कम रहती है। तो दोस्तों आप जरूरत से ज्यादा लेटर ले रहे हैं, अल्फाबेट्स ले रहे हैं अपनी वेबसाइट के टेक्स्ट में, उनको कैपिटल ना रखें जबरदस्ती, जहां जरूरत है केवल आप वहां रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे स्पेस बढ़ जाता है और आपकी जगह घिर जाएगी, जो इंपॉर्टेंट जगह है वो घिर जाएगी। आप ये मान के चलिए जो आपके वेबसाइट का ऊपर का पार्ट है यानी जो 40% है उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आप देखते भी होंगे वेबसाइट का जो 40% पार्ट होता है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, उसके बाद जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल डाउन करता है चीजें कम होती चली जाती है, क्योंकि वो डेड जोन में जाने लगता है। उसके बाद है दोस्तों कलर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आप देखना भी चाहते हैं कि कौन कौन से कलर और कौन कौन सी कॉन्ट्रास्ट स्कीम है जिसको आप यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो स्क्रीन में ही ब्लू कलर फिल्टर आने लगे हैं, और जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक टेक्स्ट को नहीं रखना चाहिए वेबसाइट पे, आप उसको ग्रे ले सकते हैं या फिर आप ब्लू कर सकते हैं, तो ये लोगों की अपनी अपनी समझ भी है और थोड़ा बहुत वो रिसर्च भी करते हैं इसके लिए। वैसे मैं दोस्तों मैं
आपके लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप वेबसाइट पे ब्लैक टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप उसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा दे, सॉरी आप उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी घटा दे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है आपको, क्योंकि जो ब्लैक टेक्स्ट होता है ना वो हाई कॉन्ट्रास्ट पे बहुत ही अजीब लगता है, तो आप क्या करें उसको 82-85% पे लगे तो वो थोड़ा सा ग्रेश हो जाएगा। आप देखते होंगे दोस्तों, आप जब भी डार्क थीम को यूज करते होंगे किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वहां कलर ब्लैक नहीं होता है, वो ब्लैक से थोड़ा सा हल्का होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको वापस ले चलता हूँ वेब ब्राउजर पे, इंटरनेट ब्राउजर पे, और वहां आपको कुछ चीजें और ज्यादा बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो वेबसाइट ओपन कर रखी है, एक तो मैंने moz.com का ब्लॉग पेज ओपन करके रखा है और दूसरा मैंने ओपन करके रखा है neelpatel.com का ब्लॉग पेज। दोनों वेबसाइट आपको फॉलो करनी है अगर आपको एसईओ सीखना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है जिसका नाम है बार्ट फॉन्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जहां जहां होकर लेके जाऊंगा मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, क्या उसका साइज है, लाइन स्पेसिंग कितनी है, सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये जो हेडलाइन है, हाउ गूगल सर्च इंजन रियली वर्क, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो फॉन्ट है वो कौन सा है, GOWF और 600, इसका वेट है, फॉन्ट फैमिली आपको दिख रही होगी GOWF, हेलवेटिका, एरियल, फॉन्ट साइज कितना है दोस्तों 36 पिक्सल, तो हेडलाइन का इतना ही रखना चाहिए, और जो लाइन हाइट है वो है 48 पिक्सल, और दोस्तों यहाँ पे ना कलर भी लिखा रहा है #262272C। उसके बाद दोस्तों ये तो हेडलाइन की बात हो गई तो इसको तो मैं बंद कर रहा हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो बॉडी है, टेक्स्ट बॉडी है, उसका भी देखते हैं, तो जो क्या कहते हैं फॉन्ट स्टाइल है वो वही है जो हेडलाइन में था GOWF, और वेट कितना है 300, तो फैमिली साइज, अब फॉन्ट साइज कितना है 18 पिक्सल। तो आपको अपनी वेबसाइट पे मैंने कितना बताया था फॉन्ट साइज कितना था, 15 से 17 पिक्सल, आपको इतना ही मिलेगा, आप 18 तक कर सकते हैं, और जो लाइन हाइट है वो कितनी 30 पिक्सल, और यहाँ पे ना आपको कलर दिखेगा ये प्योर ब्लैक कलर नहीं है दोस्तों, जो प्योर ब्लैक कलर होता है उसका जो क्या कहते हैं कोड होता है वो अलग होता है। तो दोस्तों इस एक्सटेंशन का यूज करके आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को। अब दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे moz.com पे हम आ गए, मैं फिर से देखता हूं, अब यहाँ पे जो हेडिंग है उसका देखते हैं, फॉन्ट कौन सा है लाटो, और 500 यूज किया, वहां पे नील पटेल ने 600 यूज किया था, फॉन्ट साइज कितना है 36 पिक्सल, लाइन हाइट 47 पिक्सल। अगर आप इसका देखेंगे जो टेक्स्ट है तो उसका कितना है 18 पिक्सल, तो ज्यादातर लोग दोस्तों उसको 18 पिक्सल ही रखते हैं, 18 पिक्सल का जो फॉन्ट होता है वो अच्छा लगता है मोबाइल पे, और वो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना देगा। और अगर आप कलर देखेंगे तो आपको कलर का कोड दिखेगा यहाँ पे, तो आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं, जब आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो मैं देखता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने यूज कर रहा है दोस्तों जोसेफिन सेंस, और जो फॉन्ट साइज है वो कितना है 17 पिक्सल, ये तो मेनू का है। नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे ये ट्रेनिंग है तो इसका कितना है 40 पिक्सल, और कलर आपको दिख जाएगा, और अगर मैं टेक्स्ट का देखूं तो कितना है, तो फॉन्ट कितना है जोसेफिन सेंस 400, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और लाइन है 32 पिक्सल, कलर कोड यहाँ पे लिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, जो भी चीज मैंने आपको दिखाई, मैं चाहे अपनी वेबसाइट की बात करूं या किसी और वेबसाइट की, पहली बात किसी भी वेबसाइट ने दो या तीन कलर से ज्यादा यूज नहीं करें। आप देख सकते हैं जो मॉस काम करता है वो ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में काम करता है, और उसके बाद जैसे नील पटेल है तो वो हल्के से ऑरेंज में या फिर ब्लैक कलर के साथ जाते हैं। और दोस्तों जो फॉन्ट स्टाइल है वो आपको दो से ज्यादा नहीं लेने हैं अपनी वेबसाइट में, जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पे लाटो है तो यहाँ पे भी लाटो है, तो इन्होंने तो सिंगल ही ले रखा है। आप चाहें अगर अलग करना, आप हेडलाइन का अलग कर लें और टेक्स्ट का अलग कर लें तो आप कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा फॉन्ट आपको यूज नहीं करने हैं, और तीन से ज्यादा कलर किसी भी हालत में यूज नहीं करने हैं आपको अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना दोस्तों तो वेबसाइट के रंग बिरंगी सी दिखती है। अगर कोई वीडियो का जो बैकग्राउंड आ रहा है आपकी वेबसाइट पे वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भी कलर ले रहे हैं वो दो या तीन से ज्यादा कैसे भी नहीं लेंगे, और जो फॉन्ट स्टाइलिंग है वो आप दो तरीके से ज्यादा नहीं लेंगे किसी भी हालत में, तब जाके दोस्तों आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी होगी और उसका यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा होगा। अगर यूजर इंटरफेस अच्छा होगा तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी वेबसाइट पर नेविगेशन करने में, और अगर ऐसा होता है तो आपकी वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा
रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।